Hi friends, welcome to the desk. Deva English Spoken Class. Friends, how are you? Well, na? Friends, अगर आप सचमुच English सीखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर रोज विजिट कीजिए. जब भी मैं वीडियो डालता हूँ आप देखिए, पूरा वीडियो देखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए ताकि हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे. फ्रेंड्स, मैंने अब तक 200 से ज़्यादा वीडियो डाल दिए हैं और बिल्कुल शुरू से, एकदम ज़ीरो से शुरू किया है. अगर आपका इंग्लिश बिल्कुल ही कमज़ोर है फिर भी आप शुरू से शुरू करके, एकदम फर्स्ट स्टेप से शुरू करके आप वीडियो देखते आइए. हर वीडियो, पूरा पूरा वीडियो देखिए और वीडियो में दो जो भी टास्क दिया गया है वो पूरा कीजिए. मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आप एक दिन इंग्लिश बोलना ज़रूर सीखेंगे. ठीक है फ्रेंड्स, सो लेट्स स्टार्ट द क्लास ऑफ द डे. फ्रेंड्स, टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू अबाउट द कंपैरिजन. कंपैरिजन मैंने बेसिक में कंपैरिजन में डिग्री के बारे में आप एक वीडियो बनाया था और उसमें काफ़ी कुछ समझाया था मैंने, बट ये जो कंपैरिजन है इसमें पूरे डिटेल से आपको बताऊंगा. इसके भी चार पांच छह वीडियो बन सकते हैं, तो पूरा डिटेल से बताने वाला हूँ कि कंपैरिजन में और क्या क्या आते हैं. लेकिन एक ही वीडियो में नहीं, इसके लिए चार पाँच वीडियो तक आपको देखना पड़ेगा और पूरा समझना पड़ेगा. ठीक है फ्रेंड्स, एक ही वीडियो में पूरा का पूरा चीज़ डालना मुश्किल है. एक घंटे की वीडियो अगर बना दूंगा, आप लोग 10 मिनट की वीडियो नहीं देखते हो तो एक घंटे का क्या देखोगे. ठीक है फ्रेंड्स, तो धीरे धीरे करके हम सीखते हैं, थोड़ा थोड़ा सीखते हैं और अच्छी तरह से सीखते हैं. ओके, कम. मोहन सोहन से अधिक लंबा है. मोहन सोहन से अधिक लंबा है या मोहन सोहन से लंबा है, हम ये भी कह सकते हैं. मतलब कोई ज़रूरी नहीं है कि मोहन सोहन से अधिक लंबा है तो कुछ और हो जाएगा और मोहन सोहन से लंबा है तो कुछ और हो जाएगा. दोनों का अर्थ एक ही निकलता है, इसलिए इंग्लिश एक ही तरीके से बनाएंगे. सिंपल है फ्रेंड्स. तो मोहन सोहन से अधिक लंबा है, तो मोहन इज टॉलर देन सोहन. ओके फ्रेंड्स, अभी दूसरा सेंटेंस. सीमा पूजा से कम लंबी है. यहाँ पर कम आता है, यहाँ पर कम आएगा, इसलिए इसका थोड़ा अलग तरीके से बनेगा. तो सीमा इज, सीमा पूजा से कम लंबी है, तो सीमा इज लेस टॉल देन पूजा. यहां पर हम ER नहीं लगाएंगे. अभी तीसरा सेंटेंस है. राधा गीता से कम सुंदर है, तो राधा इज लेस ब्यूटिफुल देन गीता. राधा इन दो लड़कियों से अधिक लंबी है. यहां पर एक चीज की किसी दो से कंपैरिजन हो रही है, इसको थोड़ा हम अलग तरीके से बनाएंगे कि राधा इन दो लड़कियों से अधिक सुंदर है, तो राधा इज द टॉलर ऑफ टू गर्ल्स या दिस टू गर्ल्स, इन दो लड़कियों से, तो दिस टू गर्ल्स भी बोल सकते हैं. तो राधा इज द टॉलर ऑफ दिस टू गर्ल्स. ओके फ्रेंड्स, वह इन दो लड़कों से अधिक मोटा है, तो ही इज द फैटर ऑफ दोज टू बॉयज. ठीक है फ्रेंड्स, यहां पेंसिल से अधिक कलमे हैं, तो देर आर मोर पेन्स देन पेंसिल हियर. यहां मर्दों की अपेक्षा औरतें ज्यादा हैं, तो देर आर मोर वुमन देन मैन हियर. यहां बच्चों से कम औरतें, यहां पर कम हो गया, तो कम के लिए यहां पर लेस नहीं लिखेंगे, फीवर लिखेंगे. तो देयर आर फ्यूअर वुमन देन चिल्ड्रन हियर. देयर आर फ्यूअर वुमन देन चिल्ड्रन हियर. उनके पास चांदी से कम सोना है, तो उसके पास चांदी से कम सोना है. यहाँ पर गिनती करने वाली चीज़ें नहीं है, अनकाउंटेबल थिंग्स है, इसलिए यहाँ पर हम लेस लगाएंगे. मैं आपको एक बार बता दूँ कि फ्यूअर का इस्तेमाल हमने वहाँ पर इसलिए किया क्योंकि वहाँ पर गिनती करने वाली चीज़ें थी, इसलिए कम के लिए फ्यू का इस्तेमाल करते हैं. अगर गिनती करने वाली चीज़ें नहीं है, जैसे कम सुंदर, कम तेज, कम लंबा, तो इस तरह के शब्दों के लिए हम फ्यू का इस्तेमाल नहीं करके लेस का इस्तेमाल करते हैं. ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर, यहाँ बच्चों से कम औरतें हैं, तो देयर आर फ्यूअर वुमन देन चिल्ड्रन हियर. यहाँ पर गिनने वाली चीज़ें थी इसलिए फ्यूअर लगाया. अब यहाँ पर उसके पास चांदी से कम सोना है, तो ही हैज लेस गोल्ड देन सिल्वर.
ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर लेस लगेगा। जैसा कि मैंने यहाँ पर लगाया था कि राधा गीता से कम सुंदर है, तो राधा इज लेस ब्यूटीफुल देन गीता। वहाँ पर जो भी ऐसे एडजेक्टिव आएंगे जो गिनने वाली चीज़ ना हो, तो वहाँ पर कम के लिए लेस लगाएंगे, और जो गिनने वाली चीज़ होती है वहाँ पर कम के लिए हम फ्यू का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि हर सेंटेंस को कैसे बनाते हैं और किस तरह के सेंटेंस के लिए हम क्या लिखते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का क्लास अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अब तक हमारा वीडियो देखने के लिए थैंक्स, थैंक्स अ लॉट, धन्यवाद।